ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको PS2 इन 2022 लेना है तो उसके लिए आपको कहाँ से लेना होगा और वो वर्थ इट है कि नहीं 2022 में, यही बताने वाला हूँ मैं आज आपको। तो मैं आपको PS2 का पहले थोड़ा सा ओरिजिन बताना चाहूँगा। तो PS2 लॉन्च हुआ था ईयर 2000 में और वो जापान में लॉन्च हुआ था, और जापान में लॉन्च होने के बाद जब वो सक्सेस होने लग गया तो उन्होंने उसको वर्ल्ड वाइड सेल किया, और उसके बाद उन्होंने ईयर 2004 में PS2 स्लिम नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि उसका बेटर वर्जन था और वो उससे एडवांस था। तो अगर आपको PS2 2022 में लेना है तो ये एक वेरी लेस बजट में बहुत ज़्यादा आपको इसमें अच्छे अच्छे टाइटल्स खेलने को मिल जाएंगे, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, गॉड हैंड और अच्छे अच्छे जो गेम्स थे उस टाइम के 2004-2006 के जो ऑसम से गेम्स थे वो आप इसमें खेल सकते हो, और वो भी अच्छी काफ़ी अच्छी क्वालिटी और ग्राफिक्स होते हैं। और फिर उसके बाद PS2 के बेसिकली दो वेरियंट्स आते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इसमें दो वेरियंट्स आपको मार्केट में क्या क्या प्राइस में मिलते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहले तो एक आता है PS2 फैट वेरियंट जिसके अंदर हार्ड डिस्क डली हुई रहती है। आप ये स्क्रीन पे देख रखे होंगे जैसा ये जो होता है ऐसा PS2 फैट मिलता है। इसमें आपको बहुत सारे गेम्स प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, आप ऑफलाइन स्टोर्स में जाइए आपकी सिटी के, वहाँ पे बहुत सारे आपको उसमें शॉप ओनर्स जो होते हैं, और बेसिकली ये नए पीस तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको रिफर्बिश्ड पीस ही मिलेंगे PS2 के। और इसमें फैट वेरियंट में आपको आराम से अगर उसमें हार्ड डिस्क डिफरेंट हार्ड डिस्क होती है 120 GB, 200 GB, 250 GB ऐसे तो उसमें उसको हार्ड डिस्क में 40 to 50 games आपको प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, और बहुत मिनिमल बजट में आपको जो जैसे कि फैट वाला जो वेरिएंट होता है वो 3000 रुपये तक आ जाता है, 2000 से 3000 रुपये। फैट और स्लिम लगभग सेम ही प्राइस में आ जाते हैं, तो जो 3000 रुपये के होते हैं 2500 से 3000 उसमें आपको वो 40 to 30 games प्री इंस्टॉल करके दे देंगे। और फिर उसके बाद एक आता है स्लिम वेरिएंट, जो कि मेरे पास भी ये स्लिम वेरिएंट ही है। इस स्लिम वेरिएंट में कोई हार्ड डिस्क नहीं होती प्री अलग से, और इसमें लगाने का कॉस्ट लग जाता है, लेकिन इसमें वो इशू आता है वो हार्ड डिस्क लगाने के लिए, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, वो शॉप ओनर्स तो लगा देंगे पर आप खुद से कुछ करने जाओगे हार्ड डिस्क तो नहीं लगती है। तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप एक पेनड्राइव में प्री इंस्टॉल गेम्स डलवा लो, और इसकी जो मेमोरी कार्ड होती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेमोरी कार्ड में आप उसमें मेमोरी कार्ड में इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर डलवा लो जिससे आप पायरेटेड गेम्स इसमें, क्योंकि आप ऑफिशियल गेम्स तो आप खेल ही नहीं पाओगे, इसकी सीडीज आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है, और मतलब वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है कि आप समझ लो 200-300 की एक सीडी खरीदोगे, कि वो मिलेगी नहीं पहली बात, तो वो मिलेगी भी तो 200-300 की एक सीडी खरीदोगे और उसमें इतना पुराना गेम खेलोगे तो वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आजकल तो PC में भी आपका एमुलेटर लगा के PS2 के गेम्स खेल सकते हो। तो इसका फन मजा लेने के लिए आप इसमें WWE वगैरह के गेम्स भी होते हैं एट्सेट्रा, और तो इसके लिए आप एक PS2 फैट वेरिएंट ही ले लो जिसमें हार्ड डिस्क डली हुई रहती है, या फिर अगर आप ये स्लिम ले रहे हो तो स्लिम में पेनड्राइव आती है 16 GB to 32 GB, खुद की पेनड्राइव दे दो उनको या वो खुद पेनड्राइव दे देंगे, उसमें आपको ढेर सारे गेम्स वो डाल के दे देंगे, फिर आप अपने दोस्तों के साथ वगैरह आप दोस्तों के साथ फैमिली के साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप उसमें ढेर सारे गेम्स मज़े से खेल सकते हो। और इसमें आप दो कंट्रोलर्स आप इसके मेन स्लॉट में डाल सकते हो, ये आप देख सकते हो इसका मेन स्लॉट होता है, इसमें दो कंट्रोलर्स अपन लगा सकते हैं, दो कंट्रोलर्स इसमें लगा सकते हैं, लेकिन एक मल्टी टैप करके आता है उससे अपन इसमें 4 controllers भी लगा सकते हैं, और वो 4 controllers से आप जैसे WWE में हम 4 players खेल सकते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो 4 players के लिए ये 2 controllers होते हैं। और इसमें एक ये जो USB है इसमें बेसिकली लगता है पेनड्राइव, वो पेनड्राइव में आप जो गेम्स इंस्टॉल कर लेते हो, और इसमें ये DVD प्लेयर भी होता है क्योंकि इसमें CD लगी जाती है, ये आप देख सकते हो, ये सॉफ्टवेयर वाली CD है जो हमने डलवाई थी शॉप ओनर से, इसमें सॉफ्टवेयर रहता है। ओके, तो मैं बताने जा रहा था आपको कि इसमें जो कंट्रोलर आता है उसको DualShock 2 कंट्रोलर बोला जाता है, जो PS2 के साथ ही लॉन्च हुआ था, जो अभी आप देख सकते हो कि DualSense आते हैं PS5 में, या DualShock तो आता नहीं, DualSense ही आता है PS5 और PS4 में, इसमें काफ़ी अडेप्टिव कंट्रोल्स होते हैं, तो बेसिकली इसी से स्टार्ट हुआ था ये जो है कंट्रोलर। और ये भी आपको ऑफिशियल कंट्रोलर तो नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट कॉपी कंट्रोलर ही मिलेगा मार्केट में, और ये अराउंड 200-300 का मिल जाता है, कम का भी मिल जाता है ऐसा नहीं है, और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये आते तो फर्स्ट कॉपी है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंट्रोल्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं इसके।
और इसमें वाइब्रेशंस भी होता है जो इसी को, इसलिए इसको डुअल शॉक बोला जाता है, इसमें वाइब्रेशंस होते हैं। हम जैसे आप जीडीए सैन एंड्रियास कोई गेम खेलोगे, उसमें अगर आप कार किसी से टकराओगे तो उसमें वाइब्रेट होता है ये कंट्रोलर, तो एक अच्छी फील देता है। तो मज़ा तो आपको आएगा अगर आप ये PS2 2022 में लोगे। ओके, तो ये मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पर, फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो पहली बार रिकॉर्ड किया है, और इसमें जो भी गलती वगैरह हुई होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। हाँ, ट्रोल चलेगा, थोड़ा बहुत ट्रोल तो चलेगा ही, क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म चलता है, और इसी को देख के तो मैं इम्प्रूव होऊंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने किसी फ्रेंड को जिसको भी PS2 लेना हो या किसी को भी वीडियो सजेस्ट करना हो तो आपको ये, तो आप उनको प्लीज़ सेंड कीजिए ये वीडियो। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।